बेसिक में स्क्वायर स्क्वायर रूट से एक आध क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी से एक आध क्वेश्चन आएगा, उसके बाद से एसआई एसआई से एक क्वेश्चन दे देगा, सीआई अभी जैसे एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस हुआ था, तो उस पेपर को तो पक्का आप लोग एक बार देख ही लीजिए। हर सब्जेक्ट का एक किताब अलाउ किया है कि एक किताब आप एक टेक्स्ट बुक को लेके जा सकते हैं। तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक तो एकदम मत ले जाइए, मैथमेटिक्स में मत ले जाइए, रीजनिंग में नहीं ले जाइए। आप लोग को लेके जाना भी है तो लेके जाइएगा जीएस का लेके जाइए। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए, एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिए और भगवान आपको इस एग्जाम में सफल बनाए, और हमारी शुभकामनाएं पूरी, आप सफल होंगे। मन से जाइए एग्जाम दीजिए, घबराइए नहीं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। अभी मैं मौजूद हूँ इंजीनियर वी के गुप्ता सर, जो कि मैथ के एक्सपर्ट माने जाते हैं, यहाँ से काफी तादाद में लड़कों लोग पढ़ के बहुत आगे गए हैं। आज उनसे खास बात करने के लिए इसलिए मौजूद है यहाँ पर कि 23 और 24 को बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस किस विषय में क्या आने वाला है वो जानेंगे। एक्सपर्ट है मैथ के बहुत बड़े, वो डॉक्टर इंजीनियर वी के गुप्ता सर, उनसे जानना चाहेंगे कल एग्जाम 23-24 को जो होने वाला है बिहार एसएससी सर, उसमें क्या क्या टॉपिक होगा। इसलिए आप एक्सपर्ट माने जाते हैं मैथ के, तमाम लोग आप पर भरोसा, बच्चे लोग को भी बहुत ज्यादा, आपका गाइड बहुत कामयाब होगा, एक तरह से बच्चों लोग के लिए एक बोलता है कि जड़ी बूटी जो होता है संजीवनी की तरह काम करता है मैथ, क्या आने वाला है सर। सबसे पहले एसआर न्यूज के जितने भी दर्शक हैं आप सभी लोगों को धन्यवाद। देखिए कल 23 दिसंबर 24 दिसंबर जो भी बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग के जीवन का ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट डेट है। अगर आप लोग सेलेक्ट हो गए तो आप लोग का पूरा तकदीर किस्मत सब बदल जाएगा, और इसमें जो मेरा अनुभव है, सबसे पहले तो मैं मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ कि मैथ को कैसे बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैथ बच्चे, देखिए बच्चे जो है मैथ और रीजनिंग में जो मतलब मैथ और रीजनिंग में अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे तभी जाके उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जीएस में मैक्सिमम बच्चे एक एवरेज स्कोर कर लेंगे। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई आप लोग जैसे कर रहे हैं, तो एवरेज स्कोर तो जीएस में कर ही लीजिएगा, लेकिन लास्ट मिनट में जो हमारा बच्चों का सलाह होगा सजेशन, मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से बनाना है। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि सर आपका मैथ में समझिए तो बिहार में हीरो आप माने जाते हैं, लोगों को भरोसा है, बच्चे लोग आपका बात सुनने के लिए या कुछ इस तरह से अनुभव जानने के लिए बेताब है, तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है 23-24 को जो एग्जाम होगा वो बताएं। देखिए बहुत मैथ में नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसलिए बच्चों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम शांत रहिए, कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से जाना है, एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि देखिए बेसिक एसएससी के लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम प्रीवियस ईयर देखे एसएससी का तो उसमें हमेशा वो बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक का मतलब जैसे चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर्स में जैसे एलसीएम में सेफ का एक क्वेश्चन आएगा आपका, बेसिक में स्क्वायर स्क्वायर रूट से एक आध क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी से एक आध क्वेश्चन आएगा, उसके बाद से एसआई से एक क्वेश्चन दे देगा, सीआई अभी जैसे एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस हुआ था, तो उस पेपर को तो पक्का आप लोग एक बार देख ही लीजिएगा, वही लेवल रहेगा ऑलमोस्ट, उसमें सीआई का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी बात बता रहे हैं, गौर से सुने और गौर से इस पर ध्यान दें, इंजीनियर वी के गुप्ता जो एक माने जाते हैं मैथ के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कल के एग्जाम के बारे में, 23-24 को जो एग्जाम होने वाला है आप उस पर बिहार जो एसएससी का, उस पर आप गौर से सुनिए। तो वही देखिए सीआई का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, गुणा भाग करने वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि 2020 में जो मेंस हुआ है इंटर वाला उसमें ढंग का क्वेश्चन दिया हुआ था। प्रॉफिट लॉस आप लोगों को बेसिक देख लेना कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जो हम लोग 2-3 क्लास स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं वो अगर करके जाएंगे तो उतना हमको लगता है कि उतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, वो लोग परेशान हो गए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट लेने के टाइम जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको टेंशन होता है, एवरेज थोड़ा सा देख लीजिए, लास्ट टाइम में थ्योरी का रिवीजन कर लेना है, थ्योरी देख लेना है, चैप्टर्स कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या क्या
थ्योरी बस देख लेना है, थ्योरी देख लीजिए अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, गौर से सुनिए आप। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क इन वेजेज। तो ये ऐसा चैप्टर है कि जैसे हर बच्चा यहाँ पे स्कोर कर सकता है। हल्का फुल्का भी अगर पढ़े तो कूल होके बनाएंगे और नॉर्मल तरीका से बनाइए, कोई हाई फाई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिक के चक्कर में जनरली जो एवरेज बच्चा है वो गलती कर देता है, तो ट्रिक लगाने से बचना है। ट्रिक लगाना भी है तो वो ट्रिक लगाइए जिसके बारे में आप 100% आश्वस्त है कि यह ट्रिक इस कंडीशन में लगता है। ये नहीं कि हम थोड़ा सा ट्रिक पढ़ लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन में लगा देते, इस सब बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। कमर्शियल पार्ट ही आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा, वो सब देख लेना आप लोगों को। लोग बच्चे लोग इंतजार कर रहे थे इस तरह का कोई मैसेज हो, और क्या बच्चे लोग को आप देना चाहेंगे जिससे बच्चे लोग का जो अंदर में अनुभव और बढ़े, घबराहट कम। देखिए सबसे पहले तो घबराना है ही नहीं, घबराना नहीं। रिजल्ट होगा तो वेल एंड गुड, रिजल्ट नहीं होगा तो समझिएगा आप और लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। ये जस्ट हम कूल करने के लिए बोल रहे हैं, अपने तरफ से तो बेस्ट करना ही हम लोगों को, लेकिन रिलैक्स होकर जाना है। देखिए हमारा अनुभव ये है कि रीजनिंग जो पार्ट है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये दोनों को एकदम रिलैक्स होकर बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करिए। जीएस में जो आता है उसमें तो टाइम लगेगा नहीं, टाइम नहीं लगेगा तो आप लोग एकदम आराम से जीएस में जो आता है वो मारते जाइएगा। निगेटिव मार्किंग भी है तो इसलिए गलत नहीं करने का प्रयास करना है, ये मेरा एक माने समझिए कि सजेशन है। हाँ, कि गलत नहीं करना है। अच्छा, किताब के बारे में एक चीज हम हमको लग रहा है कि बताना चाहिए बच्चों को, हर सब्जेक्ट का एक किताब अलाउ किया है कि एक किताब आप एक टेक्स्ट बुक को लेके जा सकते हैं। तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक तो एकदम मत ले जाइए, मैथमेटिक्स में मत ले जाइए, रीजनिंग में नहीं ले जाइए। आप लोग को लेके जाना भी है तो लेके जाइएगा जीएस का, लेके जाइए जीएस में भी कोई छोटा पतला बुक लेके जाइए जिससे कि कम से कम समय जिससे आप पढ़े हो। ये नहीं कि कोई भी लेके चले जाए जो आप जिससे आप नहीं पढ़े, जो आप पढ़े उसको लेके चले जाए कि कोई चीज अगर भूलेंगे तो तुरंत वहां देख लेंगे। देखिए आप लोगों को बहुत बड़ी बात बताए जा रहे हैं इंजीनियर वीके गुप्ता जी द्वारा, जो लगातार बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा यहाँ पर होता। हमने खुद यहाँ पे पहले भी कवर किया है न्यूज को, काफी बच्चे लोग पढ़ के यहाँ से निकले हैं, हर जगह गए हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, एक समझिए कि हेल्प जो बोलता है एक तरह से मदद होता है, एक तरह से जो होता है गुरु का जो रोल वो निभा रहे हैं, वो आप लोग के बीच बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। घबराना नहीं है, एग्जाम रिलैक्स हो जाना है, कौन सा बुक लेके जाना है, क्या करना है, सारा चीज बता रही है, बहुत बड़ी बात है। इंजीनियर बी के गुप्ता जी, ये इनका सबसे बड़ा ही रोल रहा है हमेशा, पढ़ाने के मामले में भी बहुत आराम से, बहुत अनुभव जो बोला जाता है इनके पास बच्चे लोग को पढ़ाने का, वो इनके आप आके देख सकते हैं। इनके क्लास में काफी भीड़, बैठने का जगह नहीं रहता है, उसी का आज इन आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बता रहे हैं, सुना भी है, और भी कुछ बताने वाले हैं सर। अच्छा, अगर बच्चों जैसे अगर मान लीजिए कि आप लोग को बुक लेकर जाना भी है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में आप कोई फार्मूला, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला हो कोई फार्मूला बुक लेकर जाइए, अगर कोई भी अवेलेबल है आपके पास तो, ताकि फार्मूला आप लोग जैसे जिसमें जैसे एलजेब्रा का फार्मूला आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बेसिक फार्मूला, एलजेब्रा का बेसिक फार्मूला देख लीजिए या बुक ले लीजिएगा, मतलब एक ऐसा बुक लीजिएगा, फार्मूला बुक आता है मार्केट में होगा, ठीक है ना, जिससे कि सारा फार्मूला एक जगह हो। बेसिक एलजेब्रा देख लेना है, बेसिक मेंसुरेशन ज्योमेट्री का, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है। फार्मूला बुक लेके जा सकते हैं, मैथ फार्मूला बुक लेके जाना है, देख लीजिए। और जीएस में कोई एक अच्छा बुक लेके जाइएगा, ताकि जीएस में हम जानते हैं कि आप लोग कितना भी पढ़े होंगे भूल जाइएगा, तो वो उलाट के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। बाकी मैथ में तो ऐसा नहीं है कि बुक लेके जाएंगे और वहाँ पे वही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाएगा लेके खोज लेगा, वो तो बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा, तो पहले से जो पढ़े वही काम आएगा। मैथ बहुत ईजी आने वाला है, तो हमारे और कुछ बच्चों और अपने कैंपस से, हमारे कैंपस से बहुत सारे बिहार एसएससी में गए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। अभी इंटर लेवल का एग्जाम हुआ था, उनका ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई थी जी जी सर। तो वो लोग भी बताया कि नॉर्मल ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है। मेरे साथ मौजूद थे इंजीनियर बी के गुप्ता सर, देखिए इनके अनुभव के बारे में तो बताने का जरूरत ही नहीं है, बच्चे लोग खुद इनकी तारीफ पढ़ के गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन ये आज का इंटरव्यू इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए जो 23-24 को
बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23-24 उनके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से, बहुत इत्मीनान से और बहुत ही हिम्मत और सुकून से आप लोग जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्या करना है और कैसे करना है, सेफ्टीली भी हो, वो सारा चीज़ आपको आज इंजीनियर वीके गुप्ता सर ने आपको बताया है। आप आराम से इसको समझ लिया देखिए और कल एग्ज़ाम आराम से दीजिए। और कुछ अगर है तो उनसे हम पूछ लेते हैं, कुछ और बताना चाहेंगे सर? हाँ, जैसे जिनका भी कल एग्ज़ाम है तो आज आप लोग देर नहीं करिए, अपने सेंटर पर टाइमली पहुँचना ज़रूरी है। आज ही कोशिश करिए कि अपने सेंटर पे पहुँच जाइए, आज ही जाकर सेंटर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जिनका परसों एग्ज़ाम है वो कल जो है चले जाइए, क्योंकि कल जाना बहुत ज़रूरी, कल चले जाइएगा सेंटर देख लीजिएगा तो सही रहेगा। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी पीसीईआरटी बुक जो है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो होता है, जैसे रेलवे में हमने देखा था सर कि बच्चे गए थे पढ़कर कुछ और क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से उठा के दे दिया था, तो हल्का फुल्का एनसीईआरटी आप लोगों को देख लेना चाहिए। एनसीईआरटी वो बेस है भाई, उसी से क्वेश्चन आता है पूरा, अगर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है तो वहीं से आता है, तो वो बेस है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए, एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और भगवान आपको इस एग्ज़ाम में सफल बनाए, और हमारी शुभकामनाएं पूरी, आप सफल होंगे। मन से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, घबराइए नहीं। देखिए इतना बड़ा संदेश, इतना प्यार, इतना बेस्ट ऑफ लक, एक बहुत ही समझदार ही कोई गुरु दे सकते हैं। वो गुरु है आज मेरे साथ बैठे हुए इंजीनियर वीके गुप्ता सर। कितना इत्मीनान से लोगों को, कितने बच्चों को पढ़ाना तो अलग चीज़ है, एक तरह से मैसेज दे के भी गाइडलाइन कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं इस तरह के गुरु और इस तरह के सर, बोलिए हर तरह से इनका जितना तारीफ किया जाए कम है। आप लोग के लिए आज आधा तैयारी सर ने कर दिया है, बाकी आधा तैयारी आप लोग खुद जाके सेंटर पे कीजिए और इत्मीनान से एग्जाम दीजिए। इस तरह के तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।